क्या आपने कभी वराह को देखा है? वही वराह जिसकी भूख से तड़पते एक नवजात बच्चे को माता पार्वती ने पाला था। क्या आपने कभी उन कंकड़ों से खेला है जिसमें महादेव के आशीर्वाद से शक्ति पैदा हुई थी? और क्या आपने उन खेतों में घूमा है जिसमें उगने वाली फसलों की रक्षा खुद भगवान करते हैं? वराह के बच्चे और कंकड़ों से पैदा हुई शक्ति की जो कहानी है, वही है द स्टोरी ऑफ कांतारा, जिसमें उस दैवीय नृत्य को दिखाया जाता है जिसे भूता कोला कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वाणी गुप्ता द कर्मा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कांतारा की कहानी भूता कोला से ही शुरू होती है और भूता कोला पर ही खत्म होती है। वही भूता कोला जिसकी परंपरा में दो देवताओं का जिक्र किया जाता है, जिसका नाम है गुलिका देव और भगवान पंजुरली। पंजुरली शब्द की उत्पत्ति तुली वर्ड पंजीरे कुरले से होती है, जिसका मतलब होता है युवा वराह। ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई, तब वराह देव पृथ्वी पर आए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब मनुष्य ने खेती करना चालू किया, तब जंगली सुअर उनकी फसलों को खा जाते थे। इन सुअरों को जंगलों से खेतों में आता देख लोगों ने इसे कोई दैवीय शक्ति समझा और इससे बचने के लिए वराह देव की पूजा करना शुरू कर दी। आज भी इसी देवता की पूजा दक्षिण भारत में की जाती है, जिसे बरने कोटपुरी नाम की एक प्रथा कही जाती है। इस प्रथा के तहत वराह देव को अन्न अर्पित किया जाता है, जिसके लिए एक बांस की टोकरी में कुछ अनाज रखा जाता है और उसके ऊपर नारियल के दो टुकड़ों में दीपक को जलाकर पंजुरली देवता को चढ़ाया जाता है। इस पूजा के दौरान एक प्राचीन नृत्य किया जाता है जिसे भूता कोला कहते हैं। इस प्राचीन नृत्य के बाद अंत में लोग पंजुरली देव को अन्न अर्पित करते हैं। ये एक प्रकार से उनको अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए अनुष्ठान होता है, जिसको लेकर लोगों का आज भी मानना है कि पंजुरली देव गांव वालों और उनकी जमीन की सुरक्षा करते हैं। वे हर साल भूता कोला के समय आते हैं और लोगों की समस्याओं के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, एक पौराणिक कथा ये भी सुनाई जाती है कि एक वराह के 5 पुत्र हुए, जिसमें से एक नवजात बच्चा उन सबसे अलग हो गया और वो भूख प्यास से तड़पते हुए मौत के कगार पर आ पहुंचा। हालांकि उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए पहुंची और उस नवजात वराह के बच्चे को अपने साथ कैलाश लेकर आई। माता पार्वती अपने बेटे की तरह उसका लालन पालन करने लगी। समय बीता और उस बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। उसके दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस परेशानी से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। कुछ समय बाद संसार में भोजन की कमी हो गई। जब भगवान शंकर ने देखा, तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह के वध का निश्चय किया। जब माता पार्वती को ये बात पता चली, तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण ना लेने की प्रार्थना की। तब महादेव ने उसका वध तो नहीं किया, लेकिन उसे कैलाश को छोड़ पृथ्वी पर जाने का आदेश देते हुए कहा कि तुम एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाओ और वहां पर मनुष्यों की जमीन और उनकी फसलों की रक्षा करो। कहा जाता है कि तभी से वो वराह पृथ्वी पर पंजुरली देव के रूप में निवास करने लगे और जमीन पर फसलों की रक्षा करने लगे। दोस्तों, यही कारण है कि लोगों ने इन्हें देवता की तरह पूजना शुरू कर दिया और दक्षिण भारत में अधिकतर स्थानों पर इन्हें वराह तो कुछ जगहों पर मुखौटा पहने हुए मनुष्य के रूप में भी दिखाया जाता है। प्राचीन कथाओं की माने तो पंजुरली देव की एक बहन भी है, जिनका नाम कल्लूर्ती है। इन दोनों का एक प्रसिद्ध मंदिर मैंगलोर के बंटवाल तालुका में मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि वहीं पर कल्लूर्ती पंजुरली देव से मिलते हैं और इन दोनों की पूजा एक भाई बहन के रूप में की जाती है, जिन्हें एक स्थान पर कल्लूर्ती पंजुरली देव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, तमिलनाडु में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जो कल्लूर्ती पंजुरली देव की पूजा ना करता हो। भूता कोला में पंजुरली देव के साथ एक और देवता गुलिका का भी जिक्र मिलता है। गुलिका देव को शिवगणों में से एक माना जाता है। इनको लेकर एक कहानी सुनाई जाती है कि एक बार माँ पार्वती महादेव के लिए भस्म लेकर आई, जिसमें कंकड़ निकला। महादेव ने उस कंकड़ को पृथ्वी पर फेंका, तो उससे गुलिका देवता पैदा हुए।
पैदा होने के बाद गुलिका देव ने भगवान शंकर से पूछा, अब मैं कहाँ जाऊँ? तब उन्होंने गुलिका देव को भगवान विष्णु के पास भेज दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें नेनाउला संके के गर्भ में भेजा, जिसके पेट से 9 महीने के बाद फाड़ते हुए गुलिका देव बाहर आए। पृथ्वी पर आने के बाद वे खूब भूखे थे, इसलिए उनको जो मिलता गया वह खाते गए। उन्होंने अनाज खाई, मछलियाँ खाई, यहाँ तक कि सूर्य को भी खाने का प्रयास किया। अंत में भगवान विष्णु ने अपनी छोटी उंगली उन्हें खाने को दी, जिससे उनकी भूख शांत हुई। कहा जाता है कि एक बार पंजवली देवता और गुलिका देवता के बीच युद्ध हो रहा था, तभी माँ दुर्गा उन दोनों के बीच में आई और युद्ध को बंद करवाया। बताया जाता है कि माँ दुर्गा ने इस दौरान दोनों को साथ रहने का आदेश दिया। तभी से देवकोला त्योहार में लोग गुलिका और पंचरली देव की वेशभूषा में युद्ध करते हैं और उनकी आपस में दोस्ती भी करवाते हैं। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं की वजह से ही आज भी पंचरली देव और गुलिका देव को एक साथ पूजा जाता है। भले ही पंचरली देव शांत स्वभाव के हैं और गुलिका देव उग्र, इसके बावजूद भी वे दोनों एक साथ रहते हैं। अब बात प्रसिद्ध भूताकोला की करते हैं, क्योंकि कांतारा की कहानी भूताकोला से ही शुरू होती है और भूताकोला पर ही खत्म। दरअसल तुलु भाषा में भूता का अर्थ होता है दैवी शक्ति और कोला का अर्थ होता है नृत्य यानी डांस। इसे दैवाकोला भी कहा जाता है। भूताकोला के साथ दैवानेमा शब्द का प्रयोग भी होता है। ऐसी मान्यता है कि भूताकोला में उस नृत्य का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति के शरीर में जहाँ एक आत्मा प्रवेश करती है, तो वहीं देवाकोला में एक साथ कई आत्माओं का प्रवेश होता है, जिसे देवानेमा भी कहा जाता है। दोस्तों, भूताकोला का नृत्य पारंपरिक माना गया है, अर्थात ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जो व्यक्ति भूताकोला में निपुण होते हैं, वह अपने सबसे योग्य संतान को ही इसकी शिक्षा देते हैं और कुछ समय बाद उसका वही बेटा भूताकोला के नृत्य को करता है। अब आपको एक रोचक जानकारी भी देते हैं। पंजुरली देव को भगवान विष्णु के वराह अवतार के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी पूजा कन्नड़ लोग करते हैं। कर्नाटक और केरल के कई हिस्सों में भी इनकी आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पंजुरली देवता उनकी रक्षा करते हैं। इन इलाकों में देवाकोला नाम से एक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें वहाँ के लोग पंजुरली देवता की वेशभूषा में नाचते भी हैं। दोस्तों, अद्भुत नृत्य और दो देवताओं की ये जो कहानी है, वही है कांतारा की असली स्टोरी। वैसे आप क्या सोचते हैं कांतारा और भूताकोला परंपरा को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।